छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों से आए लगभग डेढ़ दर्जन की संख्या में हाथियों के झुंड ने सोनभद्र के सीमावर्ती गांवों में तांडव मचाया हुआ है। जंगली हाथियों के झुंड ने कई ग्रामीणों के घरों को तहस नहस करते हुए बीघों फसलों को बर्बाद कर दिया है। डरे सहमे ग्रामीण रात भर जागकर घरों के बाहर पहरा देने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग भी इन हाथियों को भगाने के लिए रातों को मशाल जलाने के साथ लाउडस्पीकर से जंगली जानवरों की आवाज बजाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता नजर आता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जंगलों से भटककर आए जंगली हाथियों के झुंड ने सोनभद्र के सीमावर्ती गांवों में जो कोहराम मचाया उसकी वजह से सभी ग्रामीण सहम गए हैं। लगभग डेढ़ दर्जन की संख्या में हाथियों का झुंड आधी रात को घरों को निशाना बनाकर वापस जंगलों में चला जाता है। हाथियों का झुंड आतंक मचाते हुए रास्ते में जो भी आता है उसे बर्बाद कर देता है। पिछले कई दिनों से उत्पात मचा रहे इन हाथियों के सामने वन विभाग भी बेबस नजर आता है। वन विभाग के लोग इन्हें भगाने के लिए रात को मशाल जलाने के साथ ही लाउडस्पीकर से जंगली जानवरों की आवाज बजाकर इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बीघों फसलें बर्बाद हो गई हैं और उन्हें डर के साय में जीना पड़ रहा है। इस दौरान घरों को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। गणेश देवता लोग यहाँ पे आए थे, हाँ। और आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ भारी नुकसान हुआ है, घर द्वार तोड़ताड़ दिए हैं, हाँ। और फसल भी मक्का धान जो कुछ भी है, हाँ। सब यहाँ खा गए और इसी को हम लोग देखने के लिए अभी आए हैं। अच्छा। सोनभद्र से जनमत न्यूज के लिए शरद सोमानी की रिपोर्ट।